जनक जी ने कहा, हे देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं, आप सभी लोग यहाँ मेरी पुत्री को प्राप्त करने की इच्छा लेके आए थे, पर मुझे कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आप सारे राजा अब वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा को त्यागिए और अभी के अभी अपने घर की ओर प्रस्थान करिए। श्री जनक जी महाराज ने कहा, आप इतने सारे राजाओं में से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना दूर, उठाना दूर, इस धनुष को आप में से कोई तिल के दाने इतना खिसका तक ना सका। मुझे लगता है जिस विधाता ने मेरी वैदेही को सर्वगुण संपन्न बनाया, उस विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में हाथ में विवाह की रेखा बनाई ही नहीं है। आप सभी लोग अपने गृह की ओर प्रस्थान करिए और मेरी एक बात स्मरण में रखिएगा, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया हूं कि इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। आप सबके वीरता का परीक्षण यहाँ पर आज मैंने कर लिया है। श्री जनक जी महाराज ने जब ये शब्द बोले, वीरता को ललकारा, पूरी सभा मौन धर के बैठी है, सुन रही है। लक्ष्मण जी भी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने सोचा, अरे गुरुदेव हैं, भैया हैं, इनके रहते मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है, मौन रहे। जनक जी महाराज परम ज्ञानी हैं, उन्होंने यहाँ एक बार नहीं दो दो बार वीरता को ललकारा है। कारण समझिएगा, जनक जी को सब पता है कि यहाँ ये कार्य किससे होने वाला है। आज भी समाज में यही स्थिति है, जिससे काम नहीं होता वो कूदता रहता है, जिससे होता है वो बोलता ही नहीं है। जनक जी सोचते हैं कि ये बड़े वाले कैसे खड़े होंगे, ये संवर के कैसे खड़े होंगे, अब राम जी तो खड़े नहीं होंगे। तो जनक जी जानते हैं, अगर बड़के को खड़ा करना है तो पहले छोटके को खड़ा करना पड़ेगा, और छोटे सरकार कैसे खड़े होंगे, और छोटे सरकार को खड़ा करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि राम जी का जो यश रूपी झंडा है उसको लहराने के लिए जो लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व है वो डंडे का काम करता है, बिना डंडा के झंडा लहराएगा का। तो पहले लक्ष्मण जी को खड़ा होना पड़ेगा तो राम जी अपने आप खड़े हो जाएंगे। श्री जनक जी महाराज ने एक बार जब बोला, लखनलाल भी मौन रहे, फिर पुनः कहा, आज के बाद कोई अपने आप को वीरता का प्रमाण देने की बात मत कहना, कोई अपने आप को वीर मत कहना। मैं समझ गया, धरती का यह गोलपिंड वीरों से विहीन हो चुका है। इस बार जब भैया लक्ष्मण ने सुना, माखे लकन कुटिल भई भौ है, भैया लक्ष्मण अब खड़े हुए, भौं तिरछी हुई, नेत्र लाल हुए, शरीर कंपित होने लगा, होंठ फड़फड़ाने लगे। अब भैया लक्ष्मण ने पहले एक बार राम जी को देखा, मन ही मन प्रणाम किया, अब जनक जी की ओर देख रहे हैं। और जनक जी की ओर देखते हुए आज भैया लक्ष्मण ने कहना शुरू किया, अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, जैसे अनुचित बानी, मान रघुकुल मनि जानी, मान रघुकुल मनि जानी, सुना हो भानु कुल पंकज भानु, सुन हो भानु कुल पंकज भानु, सुभाव न कछु अभिमानु। भैया लक्ष्मण ने कहा, आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है भैया, वो भी आपके उपस्थित रहते हुए, ये ज्ञानी जनक जी हैं, क्या इनका ज्ञान ये नहीं परख पाया कि आज इस सभा में कौन बैठा हुआ है। आपके रहते हुए जनक जी ने ऐसे कैसे बोल दिया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, यहाँ वीरता की बात चल रही है, मुझे आप एक बार आज्ञा दे करके देखिए, मैं इस धनुष की तो बात ही नहीं करता प्रभु। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तो कंधु कैवा ब्रह्मांड उठावो, कंधु कैवा ब्रह्मांड उठावो, आपकी आज्ञा बल मर जाए भैया तो ये धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके दिखाऊंगा। लोगों ने कहा, अरे यहाँ
धनुष उठाने की बात चल रही है। ब्रह्मांड कहा, लक्ष्मण भैया ने कहा तो क्या धनुष ब्रह्मांड के बाहर है? पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा और इतना ही नहीं, धनुष को तोड़ने की बात है, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ। अरे कांचे घट जिमेदारों को री, कांचे घट जिमेदारों को चढ़ा जो जन सत प्रमाण ले खावो, जो जन सत प्रमाण ले खावो। अरे धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, कमल के नाल के समान इस पर डोरी चढ़ाऊंगा, इतना ही नहीं 100 योजन तक इसे उठाकर तोड़ के दिखाऊंगा। मुझे एक बार आदेश देखिए, किसी ने कहा अभिमान से बोल रहा है, लक्ष्मण भैया ने कहा सुनो मैं अभिमान से नहीं अपने स्वभाव से बोल रहा हूँ, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है, है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा की क्या है बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान उसे तंबर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ तार डालूं, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताक नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है, तोरो छत्रक दंड जिमी मैं तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, पुनि न धरो धनुहाथ, पुनि न धरो धनुहाथ नाथ, या ही प्रण रोपो उलटी देऊ ब्रह्मांड निमिष मह यदि मैं कोपो, सब राजन को छार करो ना हिन मुख मोरो, और चरण कमल उर लाय नाथ बल महधनु तोरो, चरण कमल उर लाय नाथ बल महधनु तोरो। भैया लक्ष्मण ने जो ही ये शब्द बोले पूरी सभा कंपित हुई, ब्रह्मांड कांपने लगा, धरती कांपने लगी, जब सभी कंपित होने लगे राजाओं ने आपस में कहना शुरू किया, अरे पहले ही जनक जी कह रहे थे अपने घर चले जाओ, देखो धरती हिल रही है, घर चले गए होते तो बच जाते। दूसरे राजा ने कहा क्यों, तुम्हारा घर धरती के बाहर है क्या, जहाँ जाते वही हिलता। लखन लाल बोल रहे हैं, लखन सकोप जब वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महिनी कर डोले, डगमगान महिनी गज डोले, लक्ष्मण भैया ने वचन बोले धरती कंपित होने लगी, धरती कांपने लगी, लखनलाल धनुष के समीप हैं, भैया आज्ञा दो तोड़ दो। विश्वामित्र जी ने कहा राघव जी बुलाइए कहीं सहयो में न तोड़ दे। अब राम जी को मुख से नहीं बोलना पड़ा, क्रोध कितना है कि ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, चकनाचूर कर सकता हूँ, धनुष को उठाकर दौड़ सकता हूँ, इतना सब कुछ कर सकता हूँ, इतने रोष में भी मेरे लखन भैया होश में हैं। राम जी ने मुख से भी नहीं बुलाया, कैसे बुलाया, सयन ही रघुपति लखन निवारे, आंखों के इशारे से राम जी ने बुलाया भैया इधर आओ, और पास बिठा करके कहने लगे लक्ष्मण देखो भैया आपके बोलने से ना ब्रह्मांड कांप रहा है, ये पूरी सभा हिल रही है, धरती हिल रही है। लक्ष्मण भैया ने कहा सब हिले तो का फायदा, अभी भी दो नहीं हिल रहे हैं, एक आप एक धनुष, और जब तक ये दो ना हिले तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिल रहा है।
राम जी ने कहा भैया शांत शांत, सूर्योदय के पहले आकाश में लालिमा छाती है। भैया लालिमा आपने प्रकट की है, सूर्योदय गुरुदेव के आदेश से हो जाएगा, बस धीरज धरो। अब गुरुदेव ने राम जी की ओर देखा और कहने लगे, रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा सिया रामा, रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा सिया रामा, रामा बोली अति स्नेह मय वाणी, रामा सिया रामा, रामा रामा सिया रामा, रामा मेटहु तात जनक परितापा, रामा सिया रामा, रामा मेटहु तात जनक परितापा, रामा सिया रामा, रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, रामा सिया रामा, रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, रामा सिया रामा, रामा माते मंजुवर कुंजर गामी, रामा सिया रामा, ओ रामा मत मंजुवर कुंजर गामी, रामा सिया रामा, रामा माते मंजुवर कुंजर गामी, रामा सिया। राघव जी के शीश पे वरद हस्त रखा, राघव जी जाइए धनुष का खंडन कर दीजिए। राम जी उठे, कैसे उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया और चल पड़े। हर्ष विषाद ना कछु उर आवा, ना किसी प्रकार का कोई हर्ष है ना किसी प्रकार का कोई विषाद है, सहज मुद्रा में राघव जी चले। और कितने सहज, गोस्वामी जी कहते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी। ये पूरे संसार के मालिक हैं। वो स्वामी जी ने ना कौशल्या नंदन लिखा, ना रघुकुल मणि लिखा, ना दशरथ नंदन लिखा, ना राम जी लिखा, क्या लिखा, सहज ही चले सकल जग स्वामी। पूरे संसार के मालिक हैं। अब जिसके ऊपर पूरे संसार की जिम्मेदारी है, जो पूरे संसार का पालन करता भरण पोषण करता है, पूरे संसार का विश्व का जो मालिक है, वो कैसे जा रहे हैं, गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया बिल्कुल सहज होकर। हमें एक गांव का भी अगर पद मिल जाए ना कि आज से ये गांव आपका, ये देखो ये गांव आज से आपका, फिर हमारी अकड़ देखो 28 का सीना 52 का हो जाएगा। अभिमान में साइज में भले ना हो, घमंड में जरूर हो जाएगा, पर ये पूरे विश्व के मालिक हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मतवाला मदमस्त हाथी झूमता हुआ अपनी चाल में अपने लक्ष्य की ओर जाता है, आज राम जी हाथी की तरह मदमस्त होकर एकदम गंभीरता से चले जा रहे हैं। हाथी की उपमा ऐसे तो नहीं देते हैं गोस्वामी जी महाराज, सदैव देते हैं तो सिंह की उपमा देते हैं, लेकिन आज हाथी की उपमा दे दी। उसके पीछे एक कारण है, क्या कारण है, जब हाथी गलियों से गुजरने लगता है तो पूरे मोहल्ला टोला अगल बगल गांव जोहार के जितने कुत्ते होते हैं सब हाथी के पीछे लग जाते हैं, सब के सब। राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तो अभिमानी राजाओं ने बोलना शुरू कर दिया। तो गोस्वामी जी ने शायद इसीलिए ये उपमा दी, जिस प्रकार हाथी जब अपने लक्ष्य के लिए जाता है कुत्ते भौंकते हैं पर हाथी पलट कर जवाब नहीं देता है। क्यों जवाब नहीं देता है, हाथी सोचता है इनको तो भौंक भौंक के अपने ही गांव में रहना है, हमको तो बहुत दूर तक जाना है। अगर हर गांव के श्वान को ऐसे ही मैं जवाब देता रहा तो लक्ष्य में पहुंचने में बहुत विलंब हो जाएगा।
जीवन में हम भी ध्यान में रखें, अगर लक्ष्य की ओर चलना है तो कुछ बातों को अनसुना कर देना चाहिए। हर बात का जवाब देने के लिए बैठ जाएंगे तो लक्ष्य प्राप्ति में बड़ा टाइम लग जाएगा।